रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। सब जाति अपने अपने अपराधी को हीरो मानता है और जो 2 से 3 मर्डर में जिसकी भागीदारी है तो उसको शमशान पहुंचाने की जरूरत। आज से 20 साल पहले कौन नेता था जो इतना अरबपति करोड़पति पैसा था इन लोगों के पास कि हम मुक्त करके रहेंगे सिटी को, 1 रुपया मांगने की औकात किसी को नहीं होगी। अपराधियों को नेता का नेक्सस जो प्राप्त है उस नेताओं को भी जेल में बंद करो। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। राजधानी पटना में इन दिनों अपराधियों का बोलबाला है। पिछले कुछ दिनों पहले ही पटना सिटी के मेहंदीगंज में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों के बीच कोहराम मच गया। तो वहीं इस घटना की सूचना जब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को मिली तो वे आनंद फानंद में पहुंच गए परिजनों के पास। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की, इसके साथ ही संवेदना भी व्यक्त की। वहीं इस दौरान पप्पू यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया कि आखिर इस तरह की घटनाएं कब तक चलेगी, ये इस तरह की घटनाएं आखिर कब तक चलेगी और ये रुकेगी भी या नहीं। क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव, पहले आप वो सुने। आज से 20 साल पहले कौन नेता था जो इतना अरबपति करोड़पति पैसा था इन लोगों के पास, कोई फटा जिप्सी पर चढ़ता था, कोई साइकिल पर, कोई मोटरसाइकिल पर, और इतना पैसा कहां से हो गया। हम लोगों को 19-20 हजार बीघा जमीन, 100 बीघा नहीं बचा, जेब में 1 रुपया नहीं रहता कि किसी की अब बांटे। इन लोगों के पास 1 बीघा जमीन नहीं, कहां से बाप के घर से ये लोग पैसा लाया है। ये लोग नेक्सस है, नेता प्रोटेक्ट करता है, अपराधी माफिया डराता है, थानेदार DSP सिंडिकेट चलाता है और पैसा वाला आदमी फिर उसके साथ जाकर के इसको कहते हैं रियल एस्टेट, जमीन का दलाल। तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है, इसमें जंगल राज 90 क्या करेगा, इसमें जो 15 साल NDA रही या महागठबंधन उसके पहले, दोनों का हालात आप देखिए ना, अपराध हो रहा है ना, तो इसको आप सही नहीं न ठहराइएगा। आप भट्टी जी को लाए, संदेश आपने सही दिया, लेकिन पटना नालंदा हाजीपुर में डेली मर्डर हो रहा है डेली। अभी जो जुटली में घटना घटी जिसमें हम 10 मिनट बाद पहुंचे, 4 आदमी को मार दिए। ये कौन है, उमेश रहे बच्चा रहे, ये नेताओं का नजायज औलाद है, दामाद बना के पालता है इन लोगों को। नेता और अपराधी का नेक्सस है, नेता के बगैर आज हम ठान ले, आज पॉलिटिशियन ठान ले कि हम मुक्त करके रहेंगे सिटी को, 1 रुपया मांगने की औकात किसी को नहीं होगी, एक आदमी के जिंदगी में कोई दखल नहीं देगा। लेकिन जब हमको लगता है कि माफिया ही वोट दिलाता है और जाति को लगता है ये मेरा आइकॉन है, ये अपराधी नहीं है, मेरा दादा है, सब जाति अपने अपने अपराधी को हीरो मानता है। वोट तो सबसे ज्यादा BJP को ही सिटी देती है, यहाँ के MLA MP मौक क्यों, ये रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। ना मर्द लोगों को, मौक लोगों को आप MLA MP बनाइएगा जनप्रतिनिधि, तो समाज हिफाजत में कहाँ से नहीं। एक तरह से DGP कहते हैं कि अपराधियों को खदेड़ो, वही अपराधी पुलिस को खदेड़ रही है। तो सर, मैं तो कह रहा हूँ अपराधियों को खदेड़ो खदेड़ो नहीं, अपराधियों को घर ढुक ढुक के मारो। अपराधियों को नेता का नेक्सस जो प्राप्त है उस नेताओं को भी जेल में बंद करो। मोबाइल लोकेशन देखो, CCTV टावर को देखो, और सब अपराधी जो शूटर है उसका पूरा का पूरा कॉल डिटेल निकालो। इसमें जो शूटर पकड़ा रहे हैं इसका पूरा कॉल डिटेल निकाल के देखना चाहिए कि किस किस से ये 15 दिनों से बात कर रहे हैं, और उस पर काम करने की जरूरत। अपराधियों को खदेड़ने की जरूरत नहीं है, जो बलात्कारी हैं, जो एक्सटॉर्शन लेते हैं व्यापारी से, और जो 2 से 3 मर्डर में जिसकी भागीदारी है तो उसको शमशान पहुंचाने की जरूरत है, उसको जेल भेजने की जरूरत है। तो आपने पप्पू यादव का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने अपराधियों को खदेड़ने की नहीं बल्कि शूट आउट करने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही इस मामले में पप्पू यादव ने जांच कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे एक न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।